गुस्ताखी माफ आलीजा, आज की कार्रवाई से पहले बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। इजाजत है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बादशाह सलामत को धोखा दिया गया है। धोखा? जी हाँ, हम जिसे शहजादा खुरासान समझते हैं वो शहजादा नहीं बल्कि जला वतन बागी कमर है। मर गए। कुछ ये भी लीजिए, ये भी लीजिए। मर गए। मक्कार, तेरी ये हिम्मत? आलीजा, मैं सजावार जरूर हूं लेकिन मरने से पहले आपको एक राज बताना चाहता हूं। बागी अपनी जान बचाने की नई तरकीब सोच रहा है। यूसुफ बेग, हर मुजरिम को अपनी सफाई पेश करने का हक होता है। वजीर आजम ने सच कहा है। कमर, जो कुछ कहना जल्द कह डालो। आलीजा, मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आपकी दूसरी बेटी शहजादी हमीदा बानो जिंदा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सात समंदर के नीचे जादूगर माकान के तिलिस्मी महल में कैद है। मगर इसका सबूत क्या है? आलीजा, इसका सबूत इस जादुई चिराग का जिन है जिसकी मदद से हम वहां से यहां तक आ पहुंचे हैं। हमें तुम्हारी वाहियात बातों पर यकीन नहीं आता। लेकिन मुझे आता है। मेरा दिल पहले ही गवाही देता था कि मेरी प्यारी बहन जिंदा है। अब्बा हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। इजाजत है। जो भी कोई मेरी प्यारी बहन को जालिम माकान के पंजे से छुड़ा लाएगा मैं उसी के साथ शादी करने का वादा करती हूँ। इंशाल्लाह। मुबारक हो कमर भैया, मुबारक हो। मगर ये चिराग जादू का है, इसका सबूत क्या? कमर भैया, इस बेमिसाल चिराग को जलाकर मेरे बड़े भैया को बुलाकर इन सबको यकीन दिला दो। सही कहा। अजय बोल चिराग। जिन साहब, जल्दी से बाहर आ जाओ, देर किस बात की? आज मैं नहीं आ सकता, आज मेरी छुट्टी का दिन है। बड़े भैया, अगर छुट्टी मनाना है तो कल मना लेना, वरना तुम्हारी छुट्टी की वजह से हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? आखिर क्यों? हम जिन लोगों ने भी अपनी एक जमात बना ली है उसके कायदे कानून के मुताबिक आज हम सबके लिए जबरदस्ती की छुट्टी का दिन है। तो बेटा आराम करो। बकवास मत करो। आलीजा, ये नकली आवाज निकालकर हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। नहीं आलीजा, मैं सच्चाई पर हूं। मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दी जाए। एक दिन तो क्या, एक पल की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। रहीम करीम, फौरन इस बागी की गर्दन उड़ा दी जाए। कमर भैया मर गए। आपने मुझे गलत समझा। मैं शहजादी हमीदा बानो को पेश करके ही रहूंगा।